क्वेश्चन आपसे ये है कि गांव में और अधिकतर जो हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनमें एक मिथक है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो क्या अंग्रेजी उनकी ज्यादा अच्छी नहीं है? थोड़ा बहुत वो जो पेपर रहे हैं उनके जीवन में, जैसे उनका इंग्लिश पेपर रहा है उसको पास ही कराया उन्होंने, इसके अलावा ज्यादा इंग्लिश आती नहीं उन्होंने, तो क्या ऐसे विद्यार्थी भी आसानी से आईएएस बन सकते हैं? और डेफिनेटली मेरी भी कौन सी अंग्रेजी अच्छी है, मतलब आप मुझे नहीं लगता है कि हिंदी माध्यम अगर आपने लिया है तो अंग्रेजी आपके लिए पहली चीज, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या भारतीय भाषा के जितने भी विद्यार्थी हैं किसी भी भाषा के हो, एक तो इंग्लिश का जो हैंगओवर है, कॉलोनियल हैंगओवर कि इंग्लिश सुपीरियर है, ये तो हटा दो। इंग्लिश एक भाषा, आपको जर्मन आती है क्या? आती है, फ्रेंच आती है, रशियन आती है? नहीं आती है, तो वैसे इंग्लिश नहीं आती है, उसमें जॉब है, कोई इसमें शर्म का तो बात नहीं है ना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, नहीं आती नहीं आती, मुझे हिंदी आती और अच्छी आती है, गर्व का विषय है। अंग्रेजी एक आवश्यक भाषा हो सकती है सबको जोड़ने के लिए, या कंपटीशन में जो कंपलसरी है उसमें हिंदी भी कंपलसरी होती है, वो लैंग्वेज हो सकती है, तो अंग्रेजी उतनी आती नहीं आती कोई बात नहीं, पेपर पास कर देना, ऐसा तो ना आपको फ्री में उसकी आवश्यकता है, ना मेंस में आवश्यकता है, ना इंटरव्यू में आवश्यकता है, और आजकल तो 90 दिन में आप देख लो, 90 दिन में अंग्रेजी सीखी इसकी एडवर्टीजमेंट चलती है, तो ये सिर्फ एक भाषा है, इस भाषा को आप इंटेलिजेंस का पैमाना ना माने, ना ये पैमाना नहीं है। मैंने मेरे साथ के कई बैचमेट्स को देखा है जो द हिंदू के अंदर दैनिक जागरण छुपा के ले जाते थे, कोई ये ना कहते कि हिंदी माध्यम का है, जो बहुत ही गलत है। अगर आप ही अपनी भाषा से हीन भावना रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। आपको आपकी भाषा पे गर्व होना चाहिए, कोई भी भारतीय भाषा हो, तो हिंदी एक उसमें है, आपको उस पर गर्व होना चाहिए और उसमें सिलेक्शन डेफिनेटली होता है। आप मेहनत करिए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने किया है, मेरे बैच में भी थे, और हीन समझना प्लीज मेरी रिक्वेस्ट भी है और मैं कहूंगा कि बंद करिए इसको, सिर्फ भाषा के हिसाब से देखिए। आप अगर समझा पा रहे हो सामने को तो ठीक है, जैसे चाइनीज नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, जर्मन नहीं आती, वो अपना रशियन नहीं आती, वैसे अंग्रेजी नहीं आती, तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? और वैसे भी आप सर्विस में आओगे, जैसे मेरा मध्य प्रदेश कैडर है, मैं अभी जावरा अनुविभाग में हूँ रतलाम जिले में, तो मुझे तो यहाँ मतलब मैं तो भूल ही गया अंग्रेजी क्या होती है, सारा भाषा का भी हिंदी में है और कम्युनिकेशन भी हिंदी में। आप अगर मान ले उड़ीसा जाते, तमिलनाडु जाते कैडर में, तो आपको वहां की तमिल या लोकल लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, हिंदी जस्ट बेसिक है, वो तो आप इतना तो समझ में आ जाए उतनी तो बोल लेना, उसमें जरूरत नहीं। अच्छा एक चीज और कह दो आपको, लोगों को टूटी फूटी हिंदी आती है तो भी वो बोलते हुए घबराते नहीं है, और हमें भी लगता अरे वाह अरे हिंदी बोलना है, लेकिन उनको हिंदी ढंग से नहीं आती है, शर्म का विषय तो उनके लिए जो अपनी मातृभाषा ढंग से नहीं बोलता है। आपको दूसरी फॉरेन लैंग्वेज है और आपको टूटी फूटी आती है, तो लैंग्वेज फर्स्ट कम्युनिकेशन के लिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अगर आप समझ रहे हो इशारों से भी समझ रहे हो तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यूपीएससी बायस नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बायस है, बट उसमें कुछ प्रक्रिया ऐसी है यूपीएससी की, हिंदी माध्यम में थोड़ा सा हर्डल है, जैसे मैंने बताया राइटिंग में है, मॉडल आंसर में है, इन सब चीजों में थोड़ी समस्या होती है, सोर्सेस में हो जाता है कभी कभी, बट आपको पता है, तो आप जहां अंग्रेजी माध्यम वाला 100 मेहनत कर रहा है, आप 120 करिए, क्योंकि आपको 120 तभी आप बराबर आ पाओगे, तो आपने खुद ने खाना है, आईएएस आपको बनना है, मेहनत आपकी है, तो आपको अपना ये भी मालूम है हिंदी माध्यम में चैलेंज फिर भी लिया है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी को हीन समझना बंद करिए बिल्कुल गर्व से। हिंदी में अगर आप पूछते हैं किसी 10 अंग्रेजी माध्यम वाले बैठे, आप हिंदी माध्यम वाले अकेले बैठे और आप हिंदी में पूछते हैं, तो गर्व का विषय, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि हिंदी पर गर्व करना चाहिए अपना को, और भारतीय अपनी सभी मातृभाषा, भारतीय भाषा जो भी आप बिल्कुल गर्व करिए, अपनी जो भी मातृभाषा है जिस भाषा में अपन बोलते हैं, जहाँ पर अपन बड़े हुए हैं, उस पर गर्व करना चाहिए अपने को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी एक कथा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यानी कि जो निज भाषा है, मातृभाषा है, वही उन्नति का मूल है, क्योंकि उसी में अपन अपना विचार व्यक्त कर पाते हैं। सर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर करना चाहूंगा, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो यूपीएससी मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना है, तो मेंस को लेकर आपकी रणनीति क्या रही थी, और एक सिविल सेवक का विद्यार्थी को किस प्रकार से मेंस पर अपनी रणनीति बनाना चाहिए? मेंस की रणनीति तो वही है, पहली चीज तो सिलेबस जो मेंस का है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ो, हर टॉपिक पे आपका मतलब जो मेंस में लिखा हुआ है उसमें आपको कम से कम 250 वर्ड लिखने लायक आपके पास मटेरियल हो जाना चाहिए। दूसरा मैं वन पेजर में बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर आपका एक पेज में नोट्स है, देखो मेंस को एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो,
मैंने क्वेश्चन पूछा है सिंपल, मुझे उसका जवाब चाहिए, मुझे आपका ज्ञान गणित या आपका क्या नॉलेज है नहीं देखना है, मुझे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दो, आपने उत्तर दिया तो मैं नंबर दूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस स्कूल में पढ़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, मुझे समझ में आना चाहिए मेरा जो जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ प्रयास है वो कम होना चाहिए, एकदम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं छोटी छोटी चीजों पे वर्क करता था, जैसे प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वहां जाके ये नहीं बोलोगे कि सर मेरा मतलब ये नहीं था, इसका मतलब यही है, उसका मतलब जो है जो वो पढ़ेगा वही समझेगा और वो उसी तरीके से होगा। तो आपकी लैंग्वेज भी ऐसी होना चाहिए बिल्कुल सिंपल कि उसको भी समझ में आएगी इसका मतलब क्या है। उसके बाद आपको लिखना 250 वर्ड्स है, तो मैं 250 वर्ड्स जैसे मेरे लिए प्लेटो, अरिस्टोटल, अरस्तु ये सब 5 नंबर और 10 नंबर थे, मैं ज्ञान के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागा हूँ, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपके पास हो बट उसको आप लिख सकते हो कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोल दूं कि आपको आंसर लिखना है, तो आप में से सभी जो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं वो सभी पूरा का पूरा लिख सकते हो, बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, 2 घंटे में दे दूं कि 2 घंटे 3 घंटे में 250 वर्ड लिखा हो, लिख लोगे, लिख क्या हो 7 मिनट में लिख सकते हो, वो चैलेंज है, क्योंकि 7 मिनट में जब तक इंट्रोडक्शन सोचो टाइम खत्म हो जाता है। तो प्रैक्टिस में टाइम मैनेजमेंट, तो पहला आपका हो गया कि क्वेश्चन सही समझना, आपका प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन मतलब स्पेस मैनेजमेंट की उसको इजीली लिखे कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा हुआ है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि पीएमओ आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन रहा है, समझाइए, एक क्वेश्चन दे सकते हैं। अब आप शुरू कर रहे हो, इंट्रोडक्शन आपने 30 वर्ड कर लिया, आप पीएमओ की हिस्ट्री लिख रहे हो कि 1970 में ऐसा था, 1960 में ऐसा था, आपने 100 वर्ड ये हिस्ट्री पे लिख दिए, और फिर आपने 50 वर्ड में लिख दिया कि आजकल महत्वपूर्ण हो गया इसलिए होना चाहिए, मैं नंबर क्यों दूंगा, मैंने पूछा ही नहीं आपसे, मैंने पूछा कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र क्यों बन रहा है, इंट्रोडक्शन लिख दो 30 वर्ड का, पीएमओ से रिलेटेड लिखना, उसे केंद्र आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5 बस पॉइंट में लिखना है या आपको पैराग्राफ में लिखना है, 2-3 पैराग्राफ छोटे छोटे एंड देन कंक्लूजन, इसलिए आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन रहा है, बहुत सिंपल है। अब कई बार आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो बहुत बढ़िया। अब मैं लिख दूं कि पीएमओ के ये फायदे है, ये मेरी हेडिंग है, तो मुझे नंबर मिलेगी क्या, नहीं। क्वेश्चन क्या है, पीएमओ आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन रहा है क्यों, तो आपको लिखना है पीएमओ आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन रहा है क्योंकि, हेडिंग ही होनी चाहिए। अगर आप हेडिंग कोई लिखेंगे पीएमओ के ये लाभ हैं, आपने पॉइंट्स वही लिखे हो लेकिन अब आपका नंबर कट गया, पूछ क्या रहे हैं और अपना जवाब क्या दे रहे हैं, बहुत बहुत मैटर करता है। तो मेंस में प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, कई बार ये होता है जिन्होंने लिखा होगा वो जानते हैं कि 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं, 1.5 घंटे बाद हाँ ठीक है यार लिख देते हैं, और फिर आखिरी आधे घंटे जब बेल बजती कि आधा घंटा हो जाता है एकदम चार्ज हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, पूरे 3 घंटे आपको डेफिनेटली एक मतलब चार्ज होकर पेपर देना ही देना है, हर क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस है, आप ये नहीं सोचते कि थोड़ा सा लूज पड़ जाओ, पूरे 3 घंटे कसेरी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं 3.5-3.5 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करता था कि मेरी एनर्जी बने रहे और दिन में 2 बार, तो आप लोगों को भी जैसा पेपर का तरीका है वैसे लिखने की हैबिट डालना चाहिए, बीच में रेस्ट लेना चाहिए जितना यूपीएससी कहता है, और अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आप एनर्जी मैनेजमेंट में इसको कहता हूँ, स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन की थीम आपको पढ़ना होना चाहिए, और कीवर्ड्स लिखना है, ज्ञान गणित नहीं देना है, 2+2 4 दैट्स इट। अगर आप देखो कि 2 जो है आर्यभट्ट के शून्य की खोज के बाद फिर 2 जोड़े गए तो 2 बनता है, तो आप देखो टाइम भी लूज कर दिया, एनर्जी लूज कर दी, स्पेस लूज कर दिया आपने, और जो उस पे एग्जामिनर पे आपका इम्पैक्ट पड़ना था वो लूज कर दिया, तो आपने छोटी सी गलती में आधा आधा नंबर करते हुए, तो मेंस इज 30-40 नंबर का नहीं होता मेंस, मतलब डिफरेंस मेंस होता है आधा एक नंबर, मान लो हर क्वेश्चन में मैं 1 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो 20 क्वेश्चन में कितने हो गए 20 नंबर, 4 पेपर में कितने हो गए 80 नंबर, और मैं ऑप्शन के भी 2 पेपर जोड़ दूं तो कितने हो गए 120 नंबर, सिर्फ 1 नंबर से आपने डिफरेंस क्रिएट किया, तो आपको मेंस को हमेशा से आधा नंबर में, तो 0.25 भी अगर मेरे कहीं बढ़ रहे हो तो मैं डेफिनेटली वो करूंगा, मेरे फ्लो चार्ट बनने से मेरा 0.20 नंबर बढ़ रहा है तो भी मैं करूंगा, क्योंकि उससे मेरे 4 नंबर बढ़ रहे हैं एक पेपर में, तो डेफिनेटली मेंस आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। और मेंस के लिए एक और जुड़ा हुआ कड़ी है रिवीजन, अगर आपकी रिवीजन बहुत मजबूत है तो आपका मेंस में जो आप लिखने जब जाते हो तो कीवर्ड्स आपको बहुत जल्दी याद आते हैं, तो रिवाइज बहुत बार होना चाहिए रिवीजन मेंस के लिए, और रिवीजन बहुत बार होने के लिए नोट्स 1 पेजर बने होने चाहिए, तो 1 पेजर अगर नोट्स है, जैसे मेरे ऑप्शनल के नोट्स जो है पॉलिटिकल साइंस के 60 पेज के नोट्स थे,
तो मैं पेपर के एक दिन पहले 3 बार रिवाइज कर चुका था, तो मेरे पास कीवर्ड्स थे। अब मेरे लिखने में प्रेजेंटेशन में कहीं गड़बड़ हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट कीवर्ड्स के मामले में मेरे पास कोई कमी नहीं। तो वन पेजर बनाना चाहिए, मतलब उल्टा छपो कि एग्जाम में क्या देना है उस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करो, उसको बार बार रिवाइज करो। मेंस के लिए यही है। वैसे मैंने मेंस की स्टडी पर मेरा और गंगा सिंह का भी डिटेल वीडियो होगा, मतलब आप लोग सब उसमें देखोगे। तो आंसर राइटिंग का हमने 2.5-3 घंटे 3 पार्ट में डिस्कस किया है, अगर आप वो भी देखना चाहो तो वो स्वागत है, नहीं देखना चाहो तो भी स्वागत है। सर, आपने जब मेंस एग्जाम दिए तो उस दौरान क्या आपके भी क्वेश्चन छूटते थे? आई थिंक सारे अटेम्प्ट होने चाहिए, बट मेरी भी हिंदी में, मतलब मैं लैंग्वेज में और देखने में सुंदरता के बोलते चक्कर में ही बोलूंगा, मेरा एक एक क्वेश्चन चारों पेपर में छूटा है जीएस में। दो आई गॉट गुड मार्क्स इन जीएस, मतलब उस समय के आप देखोगे तो अमॉन्ग टॉपर्स मेरे मार्क्स रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक क्वेश्चन फिर भी छोड़ने का गम है मुझे, कि भाई मेरे क्यों छोड़ नहीं सकता है और ज्यादा हो जाता है, बट ठीक है आप वो खोज लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहना है कि 20 के 20 क्वेश्चन करना है। जैसे आप एक क्वेश्चन में आप 5 नंबर लाइक लिखा और आपने बहुत अच्छा लिखा तो 6 नंबर की छोड़े, लेकिन एक क्वेश्चन में अगर बेस लिख के आए तो 3.5 नंबर की हो सकते हैं, तो आप 2.5 नंबर के लॉस में हो। तो 20 के 20 आपको अटेम्प्ट करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे 45 मिनट में पेपर कंप्लीट करने की हैबिट डालो, कि 2 घंटे 50 मिनट पे 2 घंटे 55 मिनट के बाद मैं पेन लिखूंगा ही नहीं या लिखूंगी ही नहीं। आपको हैबिट वही डालना है लिखते समय, और फास्ट लिखो। अब जैसे 200 वर्ड पूछे हैं तो 190 वर्ड्स में लिखने की आदत डालो, 180 वर्ड में, तो 20-20 वर्ड भी अगर आप 20 क्वेश्चन में 400 वर्ड आपने बचा लिए तो 10 मिनट आपने इधर बचा लिए, 10-15 मिनट तो जो आपको लाइन पे लग रहे हैं वो आपने गवाया। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एक एक सेकेंड का टाइम मैनेजमेंट आप करो। आप जितना अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट है उतना अच्छा आपका मान लीजिए कि मेन सर। अगला जो क्वेश्चन है मेरा ऑप्शनल को लेकर है, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू देखा है तो उसमें मैंने देखा है कि आपने बताया कि पहले आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो पवेट था और उसको आपने फिर चेंज करके पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो इसका क्या कारण था और किस वजह से आपने उसको चेंज करा और एक अच्छे ऑप्शन लेने के लिए, मतलब अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार से अपना ऑप्शन चूज करना चाहिए? देखिए, पबैट इज अ गुड ऑप्शन, और पबैट ने मुझे जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरे गुमान सर और टॉप 10 में मार्क्स रहे हैं पहले मेंस में, और मेरे बॉटम 10 में भी पबैट में रहे। तो पबैट बहुत डायनामिक टाइप का है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैंने आज पढ़ लिया तो मेरा पबैट हो गया। एक्चुअली में मेरे साथ अपनी कुछ निजी समस्या थी कि मैं पबैट में वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है कि हर पेपर में आप ऊर्जा देते हो, वो इंटरेस्ट होता है, 2-3 मेंस पबैट से देने के कारण वो उत्साह नहीं था पेपर में, और पॉलिटिकल साइंस पबैट के बहुत करीब था और पॉलिटिकल साइंस भी मुझे पसंद था, तो और मुझे लगता था कि मैं लिख सकता हूँ, मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। बट आज भी मैं पबैट को रेट अच्छा ही करता हूँ, और पॉलिटिकल साइंस हिंदी माध्यम के लिए बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है ऑप्शनल चूज करते समय आपको कुछ 2-3 चीजें जिससे आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उसका सिलेबस देखो। जैसे मैं मैथमेटिक्स ऑप्शन लेने का सोचा, मैंने इंजीनियर होने का, मैंने सिलेबस देखा और मुझे समझ में आया कि ये अपने बस की बात नहीं है। मुझे फिलोसॉफी का मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा था मैं इसको ले सकता हूँ फिलोसॉफी को, तो मैंने फिलोसॉफी पे भी थोड़ी सी मेहनत करके देखा, लेकिन फिर मैंने पहले सिलेबस देखा फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो मुझे लगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा करीब हूँ, कि मैं कर सकता हूँ, एक आत्मविश्वास है। तो आपको बेसिक ऑप्शन जैसे सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पबैड है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका दर्शन शास्त्र हो गया, इन सब का आप सिलेबस देख लिया है, या आपको और भी कुछ लगता है ऑप्शन में ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, आप उसका ऑप्शनल के सिलेबस देखिए और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए जो आपने प्रिपरेशन की हुई है, तो आपको बेसिक एक कनेक्ट फील होगा, आपको उसके थोड़ा सा पढ़ के देखना पड़ेगा और आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, देन उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ऑप्शनल आपको आपकी, जैसे कई लोग हैं जिनका सोशियोलॉजी में नैक बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का है कि जैसे मैं अपना मानता हूँ कि मेरा पबैट के कारण पॉलिटिकल साइंस और टिल्ट ज्यादा था, मैंने हिस्ट्री भी ऑप्शन सोचा था बट हिस्ट्री में थोड़ा सा वीक मानता हूँ अपना, बहुत मजबूती से नहीं आता है जितना कि पॉलिटिकल साइंस और पबैट है, पॉलिटी में मेरा इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट भी ध्यान रखना चाहिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे हिंदी माध्यम के लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये सारे एवरग्रीन सब्जेक्ट है, आप इसमें से दे सकते हो। हिंदी साहित्य है, संस्कृत भी कई लोग ले रहे हैं और सफल भी है, तो ये एवरग्रीन सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आपको लगता है नहीं मुझे पबैट में कॉन्फिडेंस है, गूगल पे कॉन्फिडेंस है, गूगल में कोई दिक्कत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सिलेबस, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड योर इंटरेस्ट। सर, जैसे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के क्वेश्चन हो रहे, जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है तो
तो उसके लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता है या फिर नहीं? अलग से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अवेयर रहने की जरूरत है कि इंग्लिश का पेपर है। ऐसा ना हो कि उसको आप लाइटली ले लो और फिर आपका मेंस में पेपर छूट गया और आप 10वीं 12वीं पास करके आए हो यार, मतलब ग्रेजुएशन करके आए हो, तो डेफिनेटली आपके पास इंग्लिश का बेसिक नॉलेज तो है। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश के पेपर के लिए कॉन्शियस एफर्ट, मतलब एफर्ट जो होता है कि आप अवेयर हो कि आपका पेपर क्या आने वाला है, लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर करके सॉल्व करके इसलिए चेक भी करवा लेना चाहिए। मैंने किया था, रिस्क नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी और थोड़ा सा एनर्जी उसमें डालना चाहिए। सर अब इंटरव्यू पे आते हैं अपन, आपने जो वहाँ पर इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर कोई आपको एक क्वेश्चन याद है जो आपको लगता है कि ये मैंने बोल दिया अलग से प्रकार से रहा था और आपको आज भी याद है क्वेश्चन? पूरा इंटरव्यू ही अलग होता है, जो सिलेक्ट हुए है या जो जिन्होंने दिया होगा वो कनेक्ट कर सकते हैं। आप सोचते कुछ और होता कुछ और है, ठीक है। और इंटरव्यू भी एक्सटेंशन ही है, आपने जो पढ़ा है जो आपकी पर्सनालिटी प्रिपरेशन में प्रिपेयर होती है वो जांचते हैं। इंटरव्यू के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप जो हो वो हो, उसको सच्चाई से एक्सेप्ट करो। आपको नहीं आता है नहीं आता है, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, हम जैसे कई लोगों को अपने सामने से निकाल के सिलेक्ट कर चुके हो, तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आपके पास है वो है, आप बताइए कि मुझे ये आता है मुझे नहीं आता है और आत्मविश्वास से बताइए। थोड़ा सा घबराहट होती है, नर्वसनेस होते हैं, वो सभी के साथ होगा, तो कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा लगता है पता नहीं पांव जम जाते हैं, पसीना आता है, नॉर्मल है ये, कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। बट अगर नर्वस हो रहे हो तो एक्सेप्ट करो नर्वस हो रहे हो, उनको बताओ कि सर मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ 2 मिनट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना अपने आप से और उनसे सच बोलोगे उतना फायदेमंद होगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं, सच बोलने का तरीका होता है, जैसे आप ये बोलो कि हाँ भाई मैं नर्वस हो रहा हूँ, और एक तरीका होता है कि सर मैं कुछ कह सकता हूँ मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो तरीका पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ अचीव करके वहाँ है, हम उनके सामने कुछ नहीं, हम जस्ट सर्विस में आ रहे हैं और वो वहाँ कई सालों की मेहनत अनुभव जितनी अपनी सर्विस एज नहीं होगी उतनी सर्विस उनकी होती है, वो रिस्पेक्ट वो डेकोरम मेंटेन होना चाहिए उनके प्रति, वो होना चाहिए। और वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सही हो, लेकिन वो भी वो जो कह रहे हो गलत है, तो बहुत ही पोलाइटली आपको लगता है कि आप सही हो तो आपको कह देना चाहिए कि सर हो सकता है मुझसे गलती हुई, मैं एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही है। और उसमें कोई गलत भी नहीं है, हो सकता है आप भी गलत हो, लेकिन हो सकता है वो भी गलत हो। तो नॉर्मली जो हम जैसे घर में बड़ों से बात करते हैं, एक सम्मान के साथ एक तरीका होता है और सच बोलते हुए बात करते हैं, वही वहां ध्यान रखना है। और अपना जो DAF होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो चूंकि आप ही ने इन्फॉर्मेशन दी और आप ही नहीं जानते हो तो वो तो स्टिकिंग हो गई, उसको मजबूती से मैं प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। और आपने मेरे क्वेश्चन का पूछा तो मुझे एक क्वेश्चन याद है, अलग क्वेश्चन था, मुझसे पूछा गया था कि आपके पास 20 रुपये का नोट है, आप बस से उतरे, सामने एक बेगर है भिखारी है, वो आपसे 20 रुपये मांगता है, आप क्या करोगे? तो फिर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं तो पहले समझ ही नहीं आया कि क्या करते, तो शायद आप आंसर भी सुनना चाहेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर मेरे मन में द्वंद आएगा और वास्तव में ये होना था, मैंने सच बोल दिया, तो दयास की द्वंद कैसा भाई, उसको 20 रुपये सही है। तो मैंने कहा कि सर यही कि दू की नहीं दू, तो वो हंसने लग गए, स्माइल की, उन्होंने बोले ऐसा क्यों चलेगा। मैंने कहा कि सर अगर मैं दे देता हूँ, हो सकता है ये फर्जी, मतलब सही व्यक्ति नहीं हूँ और ये भी है सर कि मैं अपाहिज बना रहा हूँ, तो बोले फिर क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं पूछूंगा भूख लगी है क्या, और अगर आसपास कुछ हुआ तो मैं दे दूंगा भूख के लिए। तो बोले तुम्हें लगता है इससे आदत सुधर जाएगी? तो मैंने कहा नहीं सर, डेफिनेटली उसकी आदत नहीं सुधरेगी 20 रुपए का खाना देने से, वो मांग सकता है, लेकिन उसे कह सकते हैं कि मेहनत से कमाओ, और ये उसको कह सकते हैं कि जो कमाना है मेहनत से कमा। इस टाइप का कुछ आंसर मैंने दिया था। तो ये है कि अब पता नहीं उससे नंबर मिले कि कटे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि इंटरव्यू अगर आपको लगता है कि आप जज कर सकते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, वो लोग काफी स्किल्ड होते हैं और हमें विश्वास करना चाहिए उनके मार्क्स पे। वो जानते हैं मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, 160 अराउंड कुछ थे, तो मुझे लगता है कि और भी फैक्टर्स थे इंटरव्यू में जो काउंट होके मेरे नंबर। कई बार सर जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं नहीं दे पाते हैं, तो उसका जवाब कैसे दे देना चाहिए? सॉरी सर, भाई आप वो आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, ये आप गार्ड बांध लो, ये सभी कहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। जैसे मुझे भी मालूम था लेकिन मैं भी कोशिश करता था जवाब दे दूं, ये ध्यान रखना है कि वास्तव में वो नहीं जानते। अब मैं इधर आने के बाद 2-3 साल जॉब, मतलब 17 के बाद ट्रेनिंग और अभी जॉब में आने के बाद मुझे लगता है कि वो सही कहते हैं कि नॉलेज आपका चेक नहीं करते, वो देखना चाहते हैं कि आप कितने जेन्युइन हो, कितना आप मतलब अपने आप को जानते हो, समझते हो, और आप में
लड़ने की क्षमता है कि नहीं, आप अपने आप को सच बोल सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो नहीं आता तो नहीं आता, उसमें शर्म क्या है? आज मुझे भी आज कई सारे आप पूछोगे कि इसकी राजधानी क्या, वो नहीं मालूम है, तो उसमें शर्म क्या है? गूगल कर सकते हैं। तो जो नहीं आता वो नहीं आता है, जो आता है वो बहुत अच्छे से आता है। अगर आप में वो एटीट्यूड है तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। और एक्सेप्टेड, अगर आपको 10 में से 9 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक जो आता है वो अच्छे से आता है तो आप मैच जीत गए। निबंध को हल्के पे नहीं लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि निबंध तो हम लिख देंगे तो उन लोगों के साथ चोट भी होती है, तो निबंध के लिए बेसिक उसका पैटर्न होता है, आप कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, बिल्डअप करोगे, थीम उसकी होती है, कंक्लूजन होता है। और मेरे हिसाब से निबंध पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि निबंध डाइसी है। डाइसी मतलब मेरे हिसाब से अस्थिर है, आपको 90 नंबर भी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और वो एक क्वेश्चन 125, दो निबंध आ रहे हैं ना, मेरे दो निबंध, तो 125 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 125 में से आपको मतलब 60 भी मिल सकते हैं और 80 भी मिल सकते हैं और 40 भी मिल सकते हैं, 30 भी मिल सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन 125 नंबर का है तो डेफिनेटली आपको तैयारी करना चाहिए। जैसे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक में 4 आ गए और जबकि 5 आ सकते हैं, तो एक ही नंबर लॉस किया आपने, आप अगले क्वेश्चन में कवर कर लोगे। लेकिन निबंध में ऐसा नहीं है, और निबंध में मेरे नंबर अच्छे थे, मतलब आई थिंक अच्छे, उस समय हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों के नंबर अच्छे थे मेरे साथ निबंध के। जैसे गंगा और मैं साथ में प्रिपरेशन भी करते थे, हमारे 155 156 थे दोनों के। तो निबंध में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको अगर आपको लगता है लिख के देखना चाहिए एक बार दो बार अपनी स्क्रीन की। जैसे कई लोग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, कई लोग पोएम से स्टार्ट करते हैं, कई लोग कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, कई लोग प्लेन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कई बार स्टोरी से स्टार्ट की, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी वो स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल था कि मैं कोर्ट से बहुत अच्छा लिखता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कोर्ट बहुत सारे याद थे, तो मैं उसी से स्टार्ट किया और मुझे अच्छे नंबर मिले। तो आपकी स्ट्रेटेजी अगेन उस पर भी गंगा और मैंने वो बनाए हैं वीडियो, तो आराम से निबंध लिखने की कोशिश करना चाहिए, मतलब समय देना चाहिए। सर जीएस पेपर फोर के लिए बात करें, इथिक्स के लिए, तो इथिक्स के लिए आपकी रणनीति क्या होती थी, और एक सिविल सर्व की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इथिक्स के लिए क्या करना चाहिए? इथिक्स में अगेन जैसे आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे केस स्टडी हम दो पार्ट में और दूसरे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आप देखोगे कि आप अपनी जो डेली रूटीन वाले जो आपने आसपास एनालिसिस किया है, देखा है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मेरे नंबर एथिक्स में ठीक थे, बट बहुत अच्छे जिनके थे, मैं उनके कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे एक ने रेडियो मिर्ची का कि आप कैसे लोगों का एटीट्यूड चेंज करोगे, तो उसने रेडियो मिर्ची जो बकरा आता था उसका एग्जांपल लिया कि अगर हम किसी को इस तरीके से करते हैं तो उसका एटीट्यूड चेंज होता है। तो आई डोंट नो, उसने रामायण महाभारत के भी बहुत सारे उदाहरण, आजकल सब लॉकडाउन में सीरियल्स देख रहे हैं रामायण महाभारत, तो आप उसके भी कई कैरेक्टर्स के साथ कई आप अगर यूज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नैतिक शास्त्र जैसा आप मानिए, बट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, करंट अफेयर्स आप उसमें यूज कर सकते हो। मुझे लगता है इसकी टेस्ट सीरीज मैंने की थी लुकमान आईएएस में, उनकी केस स्टडीज है, और डेफिनेटली 110% मैं कहूंगा कि वो काफी हेल्पफुल मेरे लिए रही लुकमान आईएएस। मैं जनरली कोचिंग नहीं प्रेफर करता हूँ किसी को, बट लुकमान आईएएस की केस स्टडी और एथिक्स के पेपर की उनकी स्ट्रेटेजी मेरे लिए हेल्पफुल रही। तो केस स्टडी आप वहां से कर सकते हो, क्वेश्चन के आंसर जैसे आपका नॉर्मल आंसर देने का तरीका है वैसे दे सकते हो, और छोटे मोटे एग्जांपल जैसे मैं गंगा का उदाहरण ले रहा हूँ, हालांकि उसने इंटरव्यू में कहा था, बट जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या नस्लवाद है अपने यहाँ, मतलब रेसिज्म है, तो उसने बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इट इज वेरी गुड, आपने कॉमन उसने इंटरव्यू में कहा ये बात। बट इथिक्स में अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप छोटे छोटे उदाहरण दे सकते हो, आप दे सकते हो। कई लोगों ने ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ मतलब शनिदेव को पूजा जाता है ब्लैक, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ऐसे छोटी छोटी अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से एथिक्स आपका प्रैक्टिकल पेपर टाइप है, उसको आप उतना ही डायनामिक रखिए। टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो, और अपनी इसका कोई किताब सोर्स मैं नहीं बोलूंगा, बेसिक किताब वो आती है, वो आप सबको पता है जिसके बारे में, मतलब मार्केट में कोई भी एक बेसिक किताब उठा लीजिए, थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ताकि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ना, तो आपका उसका डेफिनेशन आपको उसके पॉइंट्स पता होना चाहिए। बट जब उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है तो बेसिक आप नॉलेज से लीजिए। सर अगला क्वेश्चन इससे है कि अभी कितना क्वेश्चन, बस बहुत कम रहे सर, दो तीन क्वेश्चन हो रहे हैं। सर क्वेश्चन ये है कि जब आपका रिजल्ट आया तब आपको कैसा फील हो रहा था? वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकता मैं, मतलब आई डोंट नो कि उसको कोई और भी एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं। वो थोड़ा सा
अलग सा होता है कि आप पांचवा अटेम्प्ट दे रहे हो, और मेरे साथ तो ये भी है क्योंकि मैं आपको से आपने पूछ के शेयर करना चाहता हूँ। मेरा किसी ने राहुल नाम से सर्च किया, तो पहले से किसी ने 400 रैंक किसी की आई थी वहाँ राहुल नाम से सर्च किया था, जबकि धोटे बहुत कॉमन सरने में, बट उस समय दिमाग नहीं चलता है। मैं बैठा था तो किसी ने राहुल नाम से सर्च किया और वो इंटर 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 करते हुए लिस्ट खत्म हो गई, और मेरे आसपास वाले सब मुझे देखने लग गए, और मैं भी अपने आप को अब समझ में नहीं आ रहा असल, मतलब ये हो गया कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो नहीं होता कि अरे शिट यार ये क्या हो गया, तो मैंने कहा कि अरे नहीं यार, तो मैंने इंटर दबाया तो वो ऊपर चला गया, तो मैंने कहा देख लेते फिर मिल रहा है, तो मेरा नाम मिला। तो ये उस सेकंड आपको पता नहीं होता है, मतलब मेरे हिसाब से अभी नहीं सोचना चाहिए आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हो, बट वो काफी अलग मोमेंट होता है। आई डोंट नो मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगी नहीं, जैसे मैं मेरी आई मतलब मदर को मराठी में आई कहते हैं उनसे बात की, तो अलग इमोशनल वो था जब बताते हो आप, वो मेहनत होती है, आपने 5 साल इन्वेस्ट किए, 5वां अटेम्प्ट है और आप टिके रहे चाहे कुछ भी हो, और फिर अचानक रिजल्ट मिलता है, उसकी बात ही कुछ और है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कि आप सब 5 साल मेहनत करके पाओ, बट 1 साल 2 साल भी मेहनत करते हो 1 साल के बाद ही मिलता है, तो भी उसका टेस्ट वैसे ही होगा। सर मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था कि आप जब दबाशना में जो ट्रेनिंग लेने जा रहे थे, तो वहीं पर आपने सोचा था कि सभी डायरेक्ट ही घुस रहे हैं, कोई पाँव वाँव नहीं लग रहे हैं, इस पर आपको क्या? Yes, definitely हुआ है, सही सुना है। लवासना हम लोगों के लिए जितने प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सबके लिए ड्रीम प्लेस होता है, हम देखते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि हमें लवासना जाना है। तो शाम का समय था, मुझे याद है अच्छे से, मैं गंगा सिंह हम लोग सब साथ ही बैठे, तो जब लवासना के गेट पे मैं खड़ा हुआ, जस्ट लाइन चल रहा है मेरे सामने, इन्होंने कहा तो कि मुझे लगा लवासना कैसे जाएंगे, कि जाते समय पाँव चूके अंदर घुसूंगा कि मत्था टेकूं कि कैसे जाओ, इतना अपने लिए प्रिपरेशन में हो जाता है लवासना के लिए। फिर देखा कि अरे यार सब नॉर्मल जा रहे, कोई भी पाँव नहीं छू रहा है, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ये तो नॉर्मल है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं उस लिए आया हूँ, फिर मेरा एनरोलमेंट होता है वो लेके आया था। लेकिन जब मैं गेट के अंदर जा रहा था वो अलग फीलिंग थी, दैट वॉज समथिंग कि हाँ यार मैंने मेहनत की है और मैं अब यहाँ जा रहा हूँ, तो वो सही में लगा था मुझे कि पाव चूकी क्या, लेकिन सब नॉर्मल जा रहे थे तो मैं भी नॉर्मल चला गया। बट ऐसा होता है, एक दो दिन विश्वास नहीं होता है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और मेन बात यह है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान मतलब जो है लोग या फिर विद्यार्थी की बात करूँ तो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को निरंतर रख सकते हैं? विद्यार्थी के लिए तो लॉकडाउन तो फायदेमंद ही है, मतलब इसमें तो ये है कि अगर आप पढ़ते हो तो आपको घर के अंदर, पहले आप थोड़ा घूम लेते थे, अब वो भी मौका नहीं मिलेगा, तो पढ़ना है बट डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप घर पे भी यूट्यूब पे दोस्तों से फोन पे बात करते हुए अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये गोल्डन टाइम है हम सबके लिए लॉकडाउन जो है, पढ़ने वालों के लिए विशेषकर, या जो अपना स्किल्स डेवलप कर सकता है, जैसे आप अदर इंटरेस्ट, किसी को पेंटिंग का शौक हो, पोएम लिखने का शौक हो, डेफिनेटली आप भले तैयारी कर रहे हो बट वो आप आधा एक घंटा लॉकडाउन के टाइम दे सकते हो। आप फोन के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन भी अपने दोस्तों के साथ, यही टाइम है जब हम सब मिलकर, जैसे कोविड का जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, कि कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन हम दें, और वो हम दे सकते घर में बैठे हुए भी। आप वीडियो जारी कर सकते हैं अपने गाँव के नाम संदेश करते हुए, जो दिल्ली में पढ़ रहे वो लोग भी, या जो यहाँ रह रहे अपने गाँव के अवेयरनेस के लिए। तो ये टीम वर्क का समय है, चाहे प्रिपरेशन कर रहा हो, सिलेक्ट हो गया हो, जैसा भी व्यक्ति है उसको बिल्कुल करना चाहिए, अपने स्किल्स डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए, और पढ़ाई में तो डेफिनेटली करना चाहिए। बस ये कि जो घूमने फिरने का समय है, जो एंटरटेनमेंट का समय है, उसको फोन पर या फिर अपनी कोई स्किल डेवलप करने पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो काफी अच्छा होगा। अंतिम क्वेश्चन है सर आपसे कि लास्ट में अपन ये पूछेंगे कि डू एंड डोंट, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को। नंबर एक, फंडे नहीं लेना चाहिए किसी से, मतलब मेरे से भी जो ले रहे हो वो सिर्फ मेरा तरीका है कि मैंने कैसे किया, अब ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए लाभदायक हो, आपको अपना तरीका ढूंढना चाहिए। तो डोंट्स में किसी की कॉपी नहीं करना है, किसी के फंडे नहीं लेना, लेना है मतलब आप सुझाव ले सकते हो, वो आपके लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, क्या नहीं पढ़ना है वो आपको खुद ही गाइड, तो डोंट से ज्यादा डूज क्या है, आत्मलिपो भाव, एक ही इसका मतलब है, खुद का दीपक खुद बनो। ये समझो कि आप गांव से दिल्ली गए हो या गांव में भी हो, तो आपको किसी ने बोला नहीं कि ये सर पढ़ाएंगे तो ही मैं आईएएस बनूंगा, या ये दोस्त मिल जाएगा या ये दोस्ती मिल जाएगी तो वही मैं आईएएस बनूंगा, ऐसा नहीं है। आपने संकल्प करके खुद से निर्धारित किया कि आपको बनना है, तो आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा।
मेरी घर की कंडीशन ठीक नहीं है ये आपको पता थी, आपका हिंदी माध्यम है ये आपको पता था, आपको मतलब आप इस स्कूल में पढ़े हो ये आपको पता था, आप ये सारी कंडीशन आपको पता है, फिर भी आपने अगर चूज किया है कि मुझे करना है तो आपने अपने रिस्पे किया है, तो आत्मदीपो भव, अपना रास्ता खुद ढूंढो और उस रास्ते का मजा बहुत बहुत ही शानदार है, जब आप ढूंढ के वहां पहुंचोगे तो उसका अपना आनंद है। सलाह सुझाव जरूर अपने सीनियर से फैकल्टी से आपको लेना चाहिए, लेकिन वो आपकी प्रिपरेशन में 5% ज्यादा काउंट नहीं होगा, 95% आपकी सेल्फ स्टडी, मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका अनुशासन, ये सब मैटर करता है। तो मेरा यही संदेश है आपके लिए भी और सबके लिए भी कि आत्मदीपो भव, दैट इज ओनली डू, क्या करना है, और डोंट, मैंने बताया कि किसी की कॉपी नहीं करना, अपना तरीका ढूंढना है। और अपना दूसरा ये माइंड से निकाल दो कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होगा, ये गलत धारणा है, हमारी कमी में कुछ कमी है, हमारी तैयारी में कुछ कमी है, शायद इसी कारण हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरा एक हिम भावना और निकालो कि अंग्रेजी सुपीरियर होती है हिंदी, ये बिल्कुल निकाल दो, अपनी भाषा अपने माध्यम पे गर्व करो, अपने प्रिपरेशन पे गर्व करो, सही तरीके से करो, अनुशासित होकर करो, भटको नहीं और आत्मदीप होगा। और इसके साथ मैं लास्ट में ये संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना टाइम्स है, आप सभी मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने घर वालों को बताएं, क्योंकि हम सभी अवेयर अगर होते हैं, मैं भी अभी देखो घर पे बैठा हूं, घर में जो ऑफिस है, बट फिर भी मास्क मैं हमेशा रखता हूं, आप सभी को ये करना है, सबको वॉलेंटियरशिप के हिसाब से सोशल वॉलेंटियर बनते हुए कम से कम 10 लोगों को बताने का प्रयास कीजिए, ये भी अपने प्रिपरेशन का पार्ट ही है कि इमरजेंसी के टाइम में हम कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं। तो आई थिंक काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी आपको बता दूं मैं कि सर अभी हमारे यहाँ जावरा में एलजीएम के रूप में पदस्थ हैं, और आपको बताकर मेरे को बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ पर जो अभी एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है, कहीं ना कहीं सर वो आपकी जो है मेहनत और प्रशासन की मेहनत का ही परिणाम है। और अंत में कहना चाहूंगा कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आपसे निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी टैप जरूर कर लें।